हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो मंत्र का जो डिवाइस रहता है आईडी सर्विस वाला, उसको हम अपने कैसे सिस्टम में, जिसको आप लैपटॉप या पीसीबी बोलते हैं, तो उसमें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है और इसको करने के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है। वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईडी सर्विस का जो डिवाइस रहता है, जिसमें आपको फिंगर टच करके ही करना पड़ता है, तो आप जब पहली बार अगर आप ये डिवाइस परचेस करेंगे और कंप्यूटर या लैपटॉप में अटैच करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इसके ड्राइवर्स आपको कहाँ मिलेंगे और इसको कैसे करना है, ये पूरा तरीका हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको उसमें टाइप करना है मंत्रा MFS और 100। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वेब पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखो, आप जैसे पेज ओपन करोगे तो आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा, जैसा दिया है वैसा ही आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखो, कैप्चा फिल करके होने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये बहुत सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको 3 ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपके डिवाइस को रन करने के लिए। देखो, सबसे पहला ये विंडोज़ वाला है, और ये दूसरा ये आईडी सर्विस वाला है, और तीसरा ये क्लाइंट सर्विस वाला है। ये आधार से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं इसमें ये काम आता है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों को डाउनलोड करना है। तो देखो, मैंने पहले से ही तीनों डाउनलोड करके रखे, तो मैं तीनों को ओपन करता हूँ आपका समय बचाने के लिए। तो देखो, मेरे पास 3 है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आईडी सर्विस वाला जो ड्राइवर है वो सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो देखो, मैं भी इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो, आपको ये पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करने का है, कि आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ये नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर वापस आपको क्लिक कर देना, वापस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो, ये इंस्टॉल होने के बाद फिनिश सेटअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना। देखो, आईडी सर्विस का होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे इसमें आईडी का जो ड्राइवर है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो उसको भी सेम प्रोसीजर है, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लिक कर देना और परमिशन यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये भी देखो इंस्टॉल हो जाएगा। आपने जैसे परमिशन दिया तो ये देखो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया करके, तो ये आपके डिवाइस के साथ अटैच हो रहा है। तो देखो, ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ये देखो इंस्टॉलाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसका नंबर वगैरह ये सब आ जाएगा। अभी क्या करना है, आपको डिवाइस आपका चेक करने के लिए स्टार्ट कैप्चर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो मेरे डिवाइस में लाइट जल गई। अभी मैं फिंगर टच करता हूँ, जैसे मैं फिंगर टच करता हूँ देखो ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। तो आपको क्या करना है, देखो ये सक्सेसफुल हो गया, ये ठीक से नहीं हुआ क्योंकि मेरा हाथ हिल गया था। तो ठीक है, देखो ये आपको अगर करना है तो मैं देखो वापस क्लिक करता हूँ। अभी देखो अच्छे से आएगा, तो ये देखो आ गया, तो ये देखो ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको एग्जिट करना है, तो ये देखो फिनिश करना है। तो देखो, ये जो तीसरा बचा था आपको क्या करना है, क्लाइंट वाला, इसके ऊपर भी आपको रहना है एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। आप रहना है एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो देखो आपके सामने और एक ये आएगा, आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। और देखो फिनिश के ऊपर जब जैसे क्लिक करोगे ये टेस्ट पेज के ऊपर आपको लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है, गेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो पूरा डिवाइस है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखो, मैं गेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब भी मैं क्या करूँगा, कैप्चर के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा वापस डिवाइस का लाइट जल जाएगा, और मैं जैसे कैप्चर ये करूँगा तो देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो इस तरह से आप आपका जो डिवाइस है यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखो, मैं आपको और एक तरीके से इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। तो देखो, मेरे पास ये जीवन प्रमाण पत्र का है, इसे मैं भी डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये ओपन होने के बाद इसमें मैं मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन भरूँगा, और पूरा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद
टिप देखो, मैं आपको दिखाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र का ये दिखा रहा हूँ, तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन भर के जैसे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद मैं भरने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो मेरा डिवाइस है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहे मेरे से वीडियो में। करता हूँ ओके, करने के बाद ये यहाँ पे मुझे मेरा नाम पूछेगा, तो मैं देखो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं मेरा नाम डालता हूँ और यहाँ पे कंसेंट देके स्कैन फिंगर के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, देखो आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपको फिंगर रख देना है, जैसे आप फिंगर रखेंगे तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, तो इसका मतलब मेरा जो डिवाइस है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कुछ मिनट के अंदर आपका मंत्र का आईडी जो डिवाइस है उसको ड्राइवर से इंस्टॉल करके बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है कि आपको ड्राइवर वापस से रीइंस्टॉल करने हैं, और रीइंस्टॉल करने के बाद आपको आपका पीसी रिस्टार्ट करना है और वापस से ट्राई करना है, तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो इस तरह से, तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।